अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। वसीम भाई, मनसे के थाने और पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव ने कुछ मजारात, कुछ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर जो आवाज़ उठाई, उसके चलते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ। उसके बाद में देखने को मिला कि थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज हुई है नामालूम अफराद के खिलाफ। थाने नौपाड़ा की टीम उमरा शहर में घूम भी रही है और कुछ लोगों को शायद उन्होंने बुलाया भी था पुलिस स्टेशन। तो सर, अगर ये FIR हो सकती है, ये शिकायत दर्ज हो सकती है, तो आखिर उन अविनाश जाधव और उनकी टीम पर क्यों नहीं, जो इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अविनाश जाधव ने जिस तरीके से आ कर के इस इलाके का माहौल ख़राब किया है, उसके खिलाफ आज हम सब की संयुक्त कमेटी, हम यहाँ पर एज ए कांग्रेस पदाधिकारी तो मौजूद ही हैं, लेकिन हम अभी सबको कॉल कर रहे हैं और हमारी संयुक्त कमेटी जिसको बोलेंगे, यानी मुमरा के अंदर जो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो लोग सब मिलकर के इफ्तार के बाद, आज इफ्तार के बाद जाकर सीनियर PI साहब से मुलाकात करेंगे और जितनी तातड़ी की कार्रवाई के साथ, जितनी फौरी कार्रवाई के साथ एक FIR ली गई, कलेक्टर का दौरा हो गया, वैसे ही उतने ही फौरी कार्रवाई हम मांग कर रहे हैं FIR में हो। और 153A अंतर्गत, यानी दो धर्म समुदाय के दरमियान टेढ़ पैदा करना, टेढ़ निर्माण करना, ये कलम अविनाश जाधव और उसकी टीम पर दाखिल हो, यह हमारी मांगनी होगी। आज इफ्तार बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में ये करने जा रहे हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी मिली, उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? देखिए, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे उसके अंदर। और जान से मारने की धमकी क्यों दी जाएगी? आप अगर जिस तरीके से बात बोल रहे हो, आपने जो वक्तव्य किया है अविनाश जाधव ने, इन्होंने ऐसा किसको उकसाया? कौन सा वो कम अकल बंदा है, कौन सा वो छोटा नादान है जो उनकी बात में आकर मतलब अपने आप को तैश में लेकर आ गया, थोड़ा गुस्सा हो गया? हो सकता है कि उसके अंदर कोई उसने प्रति मतलब उसके ऊपर जो है वो रद्दअमल दिया हो, लेकिन इसके लिए जो मेन जिम्मेवार आदमी है उसके ऊपर सबसे पहले केस दाखिल हो, उसके ऊपर जो है वो फौरी कार्रवाई की जाए, उसको जैसा पहले तड़ीपार किया गया था, अब की बार परमानेंटली तड़ीपार कर दिया जाए। अच्छा वसीम भाई, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार एक मैसेज वायरल हुआ धमकी वाला, उसके बाद और भी पुलिस एक्शन में आई है, रात से ही मुमरा में पुलिस की टीमें घूम रही है, अभी तक तो ऐसी कुछ जानकारी नहीं कि कितने लोगों से पूछताछ हुई है, क्या किसी को हिरासत में, आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, हिरासत का तो कैसा है कि हमारे वल्ली भाई को भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं सेल के अंदर, मोती भाई के साथ भी बहुत सारी बातें हो रही है। तो जो लोग हैं, जो डरे हुए हैं, जिनको ज़बरदस्ती डराया जा रहा है, एक डर का भय का जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से होकर हो रहा हो, चाहे कोई और पार्टी की तरफ से हो रहा हो, लेकिन एक बात समझने की आई है, पहले ही मोती भाई क्लियर कर चुका है, हम लोग सबका पहले से यही उद्देश्य रहा है, शहर के अंदर आज तक के कभी माहौल खराब नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले हमारी छातियां आगे नजर आएगी आपको, हम लोग हमारे हाथ हाथ में डाले हुए चेन बना करके आगे खड़े रहेंगे। और पुलिस को ये समझना होगा कि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने ये गंदी हरकत की है, पहले कार्रवाई उसके खिलाफ हो। एक बार आकर के जो वन विभाग वाले आकर चले गए, कलेक्टर वाले आकर चले गए, उन्होंने जितनी तातड़ी की कार्रवाई दिखाई है ना, इसके बाद उनको बहुत सारे कामों में दिखाना है भी। अगर उन्होंने गलत काम किया तब भी उनको पब्लिक का फेस करना ही पड़ेगा। मोतीराम भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बाईपास के किनारे फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर दरगाह बनाई गई है, लेकिन इसके साथ में जो है ऐसे पूरे बाईपास पर जो है आपको कई जगह पर मंदिर भी मिलेगी, वो भी फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ ऐसा आवाज़ उठाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है? पहली बात तो जब रोड वाइंडिंग का था, तभी मेरे चाचा ने सबको PWT से
तो उसका परमिशन देके सब दरगाह का ये सब मेरे चाचा ने करके दिया था, शिव दादा था। तुम दरगाह मस्जिद वाले को दरगाह वाले को पूछ सकते हैं कि किसने किया है, तो उनको जाके पूछ सकते हैं कि अब किसने किया। भैया भगत परिवार ने उस टाइम पे रोड वाइंडिंग में PWD से परमिशन लेके सब कुछ अपने किए और वो लीगल तरीके से किया। और मेरा एक ही कहना है कि तहसीलदार को उनको पहला मंदिर का हो या मस्जिद का हो, जैसा पुजारी हो या मौलाना, उनसे तुम मशवरा तो करो, तुम डायरेक्ट जाके सर्वे मत करो। कोई भी चीज़ होता है तो उसको पहले जाके सर्वे करना, आपको जाके पुजारी से पूछना चाहिए कि भाई ये मंदिर कभी से है, क्या है इसके डॉक्यूमेंट्स है, ये सब पूछ के तुम एक्शन लो ना। तुम डायरेक्ट जा रहे तो माहौल उसमें गर्म हो जाएगा और कोई आके बाहर का आके ऐसा बोलते रहेगा तो क्या खाली कुछ भी करने का। मुमरा के इतिहास किसको है उनको जाके पूछो कि भाई इधर का इतिहास क्या है। तुम डायरेक्ट आएगा बाहर का आके कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा। अभी वो अच्छे लोग FIR किए ले तो FIR का ये मतलब है आपने एक्शन लिए तब जाके ये एक्शन हुआ है ना। आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा मुमरा का। किसके ऊपर FIR? बच्चों लोग के ऊपर कंप्लेंट किया उन्होंने। कितने बच्चे? टोटल बच्चे समथिंग कितना है? तीन से चार बच्चों लोग के FIR हुआ। हाँ तो मेरा क्या मामले में हुआ ये पूरा? बल्ली भाई आ गया ये ना। चार से मार दी धमके और जबकि बच्चे लोगों को पोस्ट के ऊपर एक स्टेटस के पोस्ट के ऊपर उन्होंने बताया कि उन्होंने, जबकि उसमें कोई बच्चों की आवाज़ नहीं है कुछ नहीं, हुई स्क्रिप्ट है उसके माध्यम से वो बच्चों के ऊपर उन लोगों ने FIR कर दिए रात की रात। और जबकि ये अविनाश जाधव मुंद्रा की सरजमीन पर आकर जहर उगल के जाता है और हर पब्लिक की हर हिंदू मुसलमान की उतने भावनाओं को ठेस पहुँचा के जाता है। इसके एवज में कोई भी कंप्लेंट एक शादी NCP नहीं होती तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोगों के दिलों में उसकी नफरत और वो बच्चों ने नादान बच्चों ने दिखा दिए। तो वली भाई सुने जाता है कि वो बच्चे माइनर भी है ऐसा कहा जा रहा है। जी सर हमको ये भी नहीं पता। अब जाहिर सी बात है अगर आप उसकी छानबीन करेंगे इसके बिना तो आप समझ जाएंगे वो उसमें काफ़ी चीज़ जोड़ी भी गई है। तो हम एक्चुअली कैसा है जो धाराएं अगर कोई भी लगा रहा है पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा आप कैसे प्रूफ करोगे कि वो पर्टिकुलर बच्चे ने ही वो कंटेंट को अपलोड किया है। उसका पहले आपको अप्रूवल लेकर आना है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आना है, उसका पर्टिकुलर ID लेकर आना है, उसके बाद अगर आप आकर यहाँ पर कुछ करोगे। अच्छा ये एक NC मैटर, किसी ने उसको जान से मारने की धमकी दिया ये उसने सोचा है ऐसा, कोई वर्डिंग्स नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप शहर के अंदर भय का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? हम लोग सब मिलकर के देखो यहाँ पर बैठे अभी ये बात यहाँ से पहुँचाने की शहर के अंदर है। मेरे साथ बैठे हुए कौन है? मोतीराम भगत है। उनके बाजू कौन बैठे हुए? वल्ली दाऊद खान। उसके बाजू कौन बैठे हुए? नाना कदम। उसके बाजू कौन बैठे हुए? तो नीलेश पाटिल। अब ये क्या है? ये है मुमरा, ये है एकता, ये जो लेकर आ रहा है ना वहां पे जबरदस्ती का। और रमजान में ये सब करने की जरूरत क्या थी? अभी गुड़ी पाड़वा का सन गया, ये तो नए सन की शुरुआत थी। ऐसे में कोई अच्छा काम कर लेता, ऐसे में ये कर लेता कि भैया जो वन विभाग या दूसरे कोई विभाग के ऊपर किसी गलत कार्य के ऊपर जो जगह कब्जा कर ली गई, भाई संतों के यहाँ से अगर कुछ दुआएं निकल रही है तो तेरे को क्या तकलीफ है? क्या तू शैतान है? क्या तू शैतान है कि तेरे को तकलीफ हो रही है संतों से? महर्षि और मुनियों से किसको तकलीफ हुआ करती थी? दुर्गा जो है वो किसका सर काटा करती थी? तो ये जो है ना अविनाश जाधव को ये गंदी राजनीति को खत्म कर देना चाहिए। और रही बात पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के लिए, हम सब इस शहर के अंदर होने वाले किसी भी माहौल को खराब करने वाले क्रिया के अगेंस्ट में साथ में रहेंगे। चाहे उसके लिए हमको पुलिस को साथ के जाके सामना करना पड़े, हमारे एडवोकेट्स हमारे साथ रहेंगे और जो बेल का प्रोसीजर है जो नॉर्म्स है हम उसको फॉलो करेंगे। मोतीराम भाई जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के चलते कई कुछ बच्चों पर FIR भी हुई, तो सोशल मीडिया यूजर्स को शहर के आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जो भी खबरें चल रही है उसमें